भाई अजीत बौरासी जी और हम सबके नेता भाई आलोक प्रसाद जी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दलित कांग्रेस के चेयरमैन हैं। इलाहाबाद की धरती से एक परिवर्तन की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रही है और आज हम श्रद्धा उत्तर प्रदेश के महासचिव आदरणीय सुशील पाटिल, हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें न्याय चाहिए, जो दोषी हो उसको सजा मिले, निर्दोषी को नहीं। धन्यवाद। परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब आज भारी भीड़ के साथ इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अब उस परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा अगर इसी तरीके से हम लोग कदम कदम एक साथ मिलाकर चलते रहेंगे। एक परिवार के लोग जो लगातार अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं, जो सरकार के आला मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी वेदनाओं को, अपने कष्टों को कहने का काम करते हैं, लेकिन बैठा हुआ उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को कहीं से किसी तरह की संवेदना, कहीं से किसी तरह का इनका कष्ट, कहीं से किसी तरह इनकी वेदना नहीं सुनाई देती। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, आप बताओ, आप कहते हो क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? आप कहते हो गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है? आप कहते हो उत्तर प्रदेश का अपराधी जेलों में है? तो ये कौन से अपराधी थे जिन लोगों ने इस तरह का अपराध किया और आपकी सरकार और आपके अधिकारी बैठकर तमाशा देखने का काम किए? कहीं आपके साथी तो नहीं, कहीं आपके पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं? मैंने देखा था तमाम आरोपियों के ऊपर जिस पर यह इल्जाम लगे थे उनके पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के साथ कई जगह लगाए गए थे, पाई जाती है। परिवार के लोग जब लगातार उस वार्डन से, वहां के कुलपति से, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सवाल करते हैं कि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, आखिर किस कारण आत्महत्या की, हम जानना चाहते हैं, दिवस थाने दिवस, ये क्यों लगता है आपने अपना पोर्टल क्यों बनाया है? जब पीड़ित को न्याय नहीं दे सकते, जब पीड़ित की बात नहीं सुन सकते, जब पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते। पिछले समय में जिस दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हुई है, उत्तर प्रदेश अपने आप में शर्मसार हुआ है। पिछले दिनों आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब गोरखपुर गई थी, वहां एक दलित परिवार की बेटी, उसकी मां उनके पास आती है, रोती है, बिलखती है, कहती है क्या कि हमारी बहन जो बीएससी की गृह विज्ञान से पुलिस को देखकर भागती नहीं है। बता दो अखिलेश जी, 5 साल आप विपक्ष में रहे हो, 49 विधायक है, कितने मुकदमे हैं आपके ऊपर, कितनी बार पुलिस की लाठी खाई है, कितने बार जेल गए हो, तो काहे के विपक्ष और काहे के नेता? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये बैठा हुआ सेना, ये तो आवाम है। इतिहास उजागर देख लो, 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान, नौजवान, गांव, गरीब, मजदूर के लिए संघर्ष किया है, जेल गया है, लाठी खाया है। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस न्याय की लड़ाई में, आपके इस संघर्ष में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपकी आवाज को बुलंद करेगा और जब तक आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया जाएगा। मुझे याद है
जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहां आई थी इधर क्या मानवता इस कदर गिर जाएगी जहां एक परिवार के लोग 2019 से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। 2019 में घटना होती है, 2020 में घटना होती है, 2021 में उनके साथ घटना होती है और अंत में उनके एक परिवार के लोगों की पूरी निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक अबोध बालक जो बेचारा मंदबुद्धि का था, उसके साथ जिस तरह का कृत्य किया पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। एक लड़की जो 17 साल की थी, परिवार वालों ने बताया उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। परिवार के लोग लगातार आरोप लगाते रहे पिछले समयों में, एसएसपी, डीजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री,